क्या हुआ, क्यों गुस्सा? काफी सर गुस्से की बात यह है कि अभी हमारे एलजी साहब यहाँ पे आए हैं इतने दूर से, तो जिन जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले नीचे बैठे हुए हैं, जिनको सदमा है, जिनको इस समय अंदर आग लगी हुई है वो नीचे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे फोटो खिंचाने वाले बंदे ऊपर चले गए हैं। एक बंदा यहाँ उनके घर का, जिनके चार बंदे मरे हैं, वो अभी पौड़ियों से ऊपर जा रहे थे, उनको धक्का लगा के नीचे कराया गया। तब हमें बोलने पे मजबूर किया गया, तब मैं बोला हूँ कि भाई ये बंदा, इनके घर के चार बंदे मरे हुए हैं, इनको नीचे क्यों, इनको जाने दो, पर इनका नाम नहीं है। क्या मतलब नाम यहाँ पे, मतलब नाम के वहाँ पे कोई क्लास में बैठा था जाके टिकट लेनी थी भाई? लेकिन मनोज सिन्हा जी ने तो विक्टिम परिवार के साथ मिलना था ना। हाँ, तो परिवार वाले नीचे बैठे हुए भैया, परिवार वाले सारे नीचे बैठे हुए, वही बैठे हुए नीचे, उनका कोई कोई उनका एक बंदा हमने भेजा बड़ी मजबूत, उसको भी वहां से धक्का लगा के नीचे किया गया। ये लोग बस कोई पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी वाले लोग गए हुए वहां पे। ये थोड़ी बात है कि भाई परिवार वालों को थोड़ा सहन शक्ति दो। मनोज सिन्हा जी आए हैं, उनके दिल में हुआ मनोज सिन्हा जी वापस थोड़ा करके जाएंगे बंदों को, करोड़ रुपया भी देंगे तो बंदे वापस थोड़ा आएंगे। मतलब अपना दर्द तो बताएंगे, दर्द तो बताएंगे ना, वो उनको भी पता चलेगा हमारे पास मनोज सिन्हा जी आए थे, चलो जी हमारे बच्चे चले गए लेकिन मनोज सिन्हा जी हमारे पास आए थे, पूरी जिंदगी उनके दिल में दिमाग में ये तो रहता ना, तसल्ली तो रहती ना, हमारे पास कोई आया था, ठीक है। नहीं, अब वो यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे चले जाएंगे, परिवार वालों को कोई पता नहीं मनोज सिन्हा जी कौन से हैं। तो क्या इन परिवार के सदस्यों को रोकने की कोशिश की गई है क्या? अब उनको बोला गया नहीं है, वो नीचे बैठे हुए, एक बंदा बड़ी मजबूर से गया, उसको वहां से धक्का लगा के नीचे किया गया। मैं बोला हूँ फिर, मैं बोला हूँ फिर उसको ऊपर, हाँ फिर उनको भेज गए ऊपर, इसका नाम नहीं है, मतलब इसके बगैरे वाले मरे हुए हैं उसका कोई नाम नहीं है वहां पे। तो जो लिस्ट बन रही थी वो क्या थी? वो लिस्ट पार्टी वाले, सियासत वाले बंदे, ये यहाँ पे मतलब शमशान घाट पे भी सियासत हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम मतलब ये हमारे दिल में जो कष्ट हुआ है ना, ये कष्ट जो है ना, फिर ये हम कष्ट निकालेंगे, ये हम जवाब देंगे इसका। नहीं, अभी कह रहे हैं कि फैमिली जो है वो शायद फैमिली मेंबर से मिले। फैमिली मेंबर सब नीचे बैठे हुए भैया। अच्छा, वहाँ पे तो वहाँ वहाँ पे अभी वहाँ से निकले हैं वो, उनको सीधा यहाँ लाया गया, फैमिली वालों से कोई नहीं मिले। अब 10 मिनट उनके पास, वो भी उनको भी बिठा देते यहाँ पे, उनसे भी अकेले में बात कर लेते कि भाई दर्द बांटते, दर्द बांट रहे हैं ना, आप भी तो दर्द बांट रहे आए ना, मैं भी दर्द बांट रहे आया हूँ, सभी लोग दर्द बांट रहे आए हैं, कोई किसी जिंदा करने के लिए नहीं आया, ये बात है हमारी। तो यहाँ पर इनकी शिकायत है कि जो विक्टिम परिवार है, जिस परिवार को ये सबसे बड़ा एक आघात पहुँचा है, यहाँ पर जिन पर हमला हुआ है और उन्हीं परिवार के सदस्यों को यहाँ पर मिलने नहीं दिया गया, हालांकि वो यहाँ पर मिलने आए थे लेकिन यहाँ उन्हें जाने नहीं दिया, और एक विक्टिम फैमिली का एक सदस्य यहाँ पर जाना चाहता था, उसे रोका गया, फिर थोड़ी सी यहाँ पर बहसबाजी हुई और उन्हें वहाँ पर उनसे बातचीत। सवाल यही है कि दर्द अगर बांटने आए तो किन के साथ बांटने आया है? क्या यहाँ पर अब लाशों पर सियासत होगी?